अब ये दो यहाँ पे हैं, तीसरा इनका ये रहा। तो इसमें से एक बेबी है, और बेबी मुझे लग रहा है कि ये बीच वाला है, क्योंकि कुछ बर्ड्स बैठी हैं, तो देखते हैं कैसे क्या कुछ होता है अभी, और कोशिश करते हैं कि दिखाने की कि ये जो बैठी इनको हम कैप्चर कैसे कर सकते हैं। यहाँ कुछ डक्स हैं, कुछ फ्लेमिंगो हैं, और ये सूखा हुआ तालाब है भाई, तो सूखे हुए तालाब में कैसे बर्डिंग करेंगे वो हम आज देखेंगे अभी। कुछ बर्ड्स इधर बैठी हैं, तो इधर देखते हैं, आप फोटो क्लिक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि बर्ड्स मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। कुछ बर्ड्स बैठी हैं ये यहाँ पे,
अपने को ये सनस्क्रीन मिला है काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद में, और वैसे तो ये पेयर्स में ही होते हैं बट ये अभी अकेला है। देखते हैं कितनी देर तक ये स्टे करता है, कितनी देर तक वीडियोग्राफी करने देता है, और ये भी थोड़ा चौकन्ना हो गया है। और वैसे दिखाऊं तो आपको बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है। अब ये दो यहाँ पे हैं, तीसरा इनका ये रहा। तो इसमें से एक बेबी है, और बेबी मुझे लग रहा है कि ये बीच वाला है, क्योंकि ये हमेशा पेयर में रहते हैं और अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। इनको मैं लैंड करते हुए कैप्चर नहीं कर पाया, बट अभी देख के इतना अच्छा लग रहा है, इनको इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो ही मत। दो ये रहे और एक ये रहा। तो मेरा यहाँ पे आना सफल हो गया, और अब एक उड़ गया इनमें से फ्लाई करके, उसको कॉल दे रहे हैं ये। मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, एक उड़ के चला गया है, वो राइट में चला गया है उड़ के, और ये भी मुझे लग रहा है कि ये उड़ जाएंगे अब, क्योंकि यहाँ पे जो पानी का लेवल है वो कम हो चुका है, और 4 से 5 इंच का पानी है, ये महीने भर का पानी और है, फिर ये सर्दियों के टाइम पे फिर ये फिल हो जाता है। अब ये मुझे नहीं पता ये बर्ड कहाँ पे रहते हैं इतने टाइम तक, कहाँ से सरवाइव करते हैं, बट फ़िलहाल अभी ये यहीं पे है। तो इनका जो एक ग्रुप में से एक जो बर्ड है वो फ़िलहाल उड़ गई है, एक सरस कैन उड़ गया है, और अभी ये रिमेनिंग दो बचे हुए हैं। और कैमरे की लाइट ISO फुल है इसमें, अगर वैसे मैं अगर फोकस करूं बाहर तो आप अगर देख पाओगे कि अंधेरा हो चुका है, सन बिल्कुल नीचे है, और बस ये दो ही हैं। तो इनको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ये पानी पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं। और इनमें तीन पेयर थे, जो पहले वाला था वो उड़ चुका है, अब ये रिमेनिंग दो बचे हैं, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और आप अभी चलते हैं, शाम का टाइम हो गया, सूरज ढल गया है, तो ये आई थिंक पानी ही पी रहे हैं। तो इनको यहीं पे छोड़ के, और अब आप चलते हैं।